हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पेग ट्यूटोरियल। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जैसे मैं नया वीडियो लोड करूं आपको जल्द से जल्द मिल सके। इन टुडेस क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर नंबर 6, वीदरिंग द स्टॉर्म इन एरसामा, रिटन बाय हर्ष मांदर। ये जो कहानी आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वीदरिंग द स्टॉर्म इन एरसामा, इसका मतलब है जो साइक्लोन एरसामा में आया था, 1999 की बात है जब ये साइक्लोन आया था, हाउ डिड द पीपल फेस द चैलेंज। वीदरिंग मतलब फेसिंग द चैलेंज। इस घटना की शुरुआत करने से पहले हम लोग इसके शॉर्ट इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं जो कि बुक में दी गई है। The cyclone that hit Orissa in October 1999 killed thousands of people and devastated hundreds of villages. 1999 अक्टूबर में जो साइक्लोन उड़ीसा को हिट किया था उसमें हजारों लोग मारे गए थे, कितने घर बर्बाद हो गए थे। For two dreadful nights, Prashant, a young man, was marooned on the roof of a house. दो रात तक प्रशांत, एक जवान लड़का जो इस घटना का भुक्त भोगी रह चुका है, उसे दो रात तक छत पर गुजारनी पड़ी थी। He was marooned, यानी कि isolated, अकेला पड़ गया था। On the third day, he decided to go to his village. और तीसरा दिन ये अपने गांव को जाने के लिए ठान लेता है। Did he find his family? क्या वो अपने परिवार को कभी दोबारा मिल पाता है या नहीं मिल पाता है, इस कहानी में हम लोग इसको हम देखेंगे। On 27th October 1999, 7 years after his mother's death, Prashant had gone to the block headquarter of ersama. 27 अक्टूबर 1999 की बात है, 7 साल पहले प्रशांत की माँ ऑलरेडी इस दुनिया से विदा हो चुकी थी। उस दिन यानी 27 अक्टूबर को प्रशांत अपने दोस्त के घर यानी कि एरसामा में समय बिताने के लिए चला जाता है। दिस प्लेस इज 18 किलोमीटर्स फ्रॉम हिज विलेज, इसके घर से करीबन 18 किलोमीटर की दूरी पर है। इन द इवनिंग अ डार्क एंड मेनेसिंग स्टॉर्म क्विकली गैदर्ड, शाम का समय था, अचानक इतना डरावना आंधी चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया। विंड्स बीट अगेंस्ट द हाउसेस विद स्पीड एंड फ्यूरी दैट प्रशांत हैड नेवर विटनेस्ड बिफोर। आंधी तो इतनी तेज से चल रही थी जिसे ये कभी अपने लाइफ में अनुभव नहीं किया था। हेवी एंड इनसेसेंट रेन फिल्ड द डार्कनेस, एंशिएंट ट्रीज वेर अपरूटेड एंड क्रैश्ड टू द अर्थ, और बारिश जो था थमने का नाम नहीं ले रहा था। एंशियंट ट्रीज, जो पुराने पुराने पेड़ थे, वे भी जड़ से उखड़ गए थे एंड दे हैड फॉलन टू द ग्राउंड। स्क्रीम्स रेंट द एयर एज पीपल एंड हाउसेस वर स्विफ्टली वॉश्ड अवे, आसमान में लोगों को चीत्कार सुनाई दे रहा था जैसे पेड़ उखड़ते जा रहे थे और घर पानी के साथ बहते जा रहा था, लोग उसमें बहते जा रहे थे। The angry water swirled into his friend's house neck deep. ये आंधी तूफान, ये बारिश इसके दोस्त के घर को भी नहीं छोड़ा, इसके दोस्त के घर में गर्दन के बराबर तक पानी अंदर जा चुका था। The building was of brick and mortar and was strong enough to survive the devastation of the wind's velocity of 350 km/h. हालांकि इसके दोस्त का घर सीमेंट का बना हुआ था, इसलिए ये आंधी तूफान को बर्दाश्त कर पा रहा था। उस वक्त का जो हवा का स्पीड था करीबन 350 km/h की रफ्तार से बह रहा था। बट द कोल्ड टेरर ऑफ द फैमिली ग्रू विद द क्रैशिंग ऑफ ट्रीज दैट हैड गॉट अपरूटेड एंड फॉलन ऑन देयर हाउसेस, लेकिन अंदर का जो डर था इतनी तेजी से था जिसको व्यक्त भी नहीं कर पा रहे थे। पेड़ एकदम उखड़ करके जा रहे थे और उसमें से एक पेड़ इसके घर के ऊपर गिर जाता है। समटाइम्स इन द मिडिल ऑफ द नाइट, डैमेजिंग इट्स रूफ एंड वॉल्स,
और वो जो पेड़ गिरा था आधी रात का समय था और इसके पेड़ के दीवार पर गिर जाता है और कुछ छत भी बर्बाद हो जाते हैं उसके गिरने से। द क्रैश डिस्ट्रक्शन रॉट बाय द साइक्लोन एंड द सर्ज ऑफ द ओशियन कंटिन्यूड फॉर नेक्स्ट 36 आवर्स। करीबन 36 घंटे तक ये तबाही पूरे उड़ीसा को मचाए हुए था। Although wind speeds had reduced somewhat by the next morning, हालांकि अगले सुबह तक हवा में कुछ रुकावट आ चुकी थी। To escape the water rising in the house, Prashant and his friend's family had taken refuge on the roof. पानी का स्तर हालांकि ऊपर बढ़ रहा था, इसलिए अपने आप को बचाने के लिए उसके दोस्त और उसके परिवार सब के सब छत पर जा बैठे थे। प्रशांत विल नेवर फॉरगेट द शॉक ही एक्सपीरियंस्ड एट हिज फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ द डिवास्टेशन रॉट बाय द सुपर साइक्लोन इन द ग्रे लाइट ऑफ द अर्ली मॉर्निंग। प्रशांत ये अपने जीवन काल में कभी भी ये तबाही को नहीं भूलेगा जो ये तबाही साइक्लोन के माध्यम से आया था। अ रेजिंग डेडली ब्राउन शीट्स ऑफ वाटर कवर्ड एवरीथिंग एज फार एज द आइस कुड सी। पूरा जहां तक नजर इसका जा रहा था ये सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था। ओनली फ्रैक्चर्ड सीमेंट हाउस स्टिल स्टूड इन फ्यू प्लेसेस। जो सीमेंट के मकान थे वे ही कुछ बच गए थे एंड दैट वॉज ऑल्सो इन द ब्रोकन पीसेस। ब्लोटेड एनिमल्स कार्कसेस एंड ह्यूमन कॉर्पसेस फ्लोटेड एवरी डायरेक्शन। हर जगह कहीं जानवर का मरा हुआ शरीर पाया जा रहा था तो कहीं लोग मरे पड़े हुए थे। सब पानी में फूल फूल करके तैर रहे थे। ऑल राउंड इवन ह्यूज ओल्ड ट्रीज हैड फॉलन। कहीं कहीं पर बहुत बड़े बड़े पेड़ गिर चुके थे। टू कोकोनट ट्रीज हैड फॉलन ऑन द रूफ ऑफ देयर हाउस। यहाँ तक कि दो बड़ा कोकोनट ट्री भी प्रशांत के दोस्त के घर के ऊपर गिर चुका था। This was a blessing in disguise. हालांकि ये खतरा का निशान था परंतु उस समय इन लोगों के लिए एक प्रकार का ईश्वर का वरदान कहिए जो कि टूटे हुए पेड़ के समान इन लोगों को मिला। Because tender coconuts from the trees kept the trapped family from starving in the several days that followed. ये इसलिए उन लोगों के लिए ब्लेसिंग कहा जा रहा था कि उस भूखमरी के समय इसी कोकोनट ट्री के जो सॉफ्ट टेंडर पार्ट थे पत्तों का उसको खा खा करके वे सभी जीवित थे। फॉर द नेक्स्ट टू डेज प्रशांत हैड हर्डल्ड विथ हिज फ्रेंड्स फैमिली इन द ओपन ऑन द रूफटॉप। दो दिनों तक प्रशांत अपने दोस्त के परिवार के साथ झुंड में बैठा हुआ था उसी छत पर। They froze in the cold and incessant rain. लगातार बारिश हो रही थी और वे लोग छत पर दो दिनों तक बैठे रह गए। The rain water washed away Prashant tears. लोग रो रहे थे परंतु उस बारिश के पानी में आंसू दिखाई नहीं दे रहा था। The only thought that flashed through his mind was whether his family had survived the fury of the super cyclone. पूरा समय प्रशांत यही सोच रहा था क्या उसके परिवार फिर वापस मिल जाएंगे, क्या उसका परिवार इस सुपर साइक्लोन से बच पाया होगा। वाज ही टू बी बिरीव्ड वंस अगेन। कहीं ऐसा तो ना हो ये दोबारा अपने परिवार से बिछुड़ जाए क्योंकि इसके पहले इसकी माँ बिछड़ चुकी थी। टू डेज लेटर दो दिनों के बाद विच सीम टू प्रशांत लाइक टू ईयर्स द रेन सीज्ड एंड द रेन वाटर स्लोली बिगैन टू रिसीड। दो दिनों के बाद बारिश का होना बंद हो गया और पानी धीरे धीरे घटते जा रहा था। प्रशांत वास डिटरमिन्ड टू सीक आउट हिज फैमिली विदाउट फर्दर डिले। प्रशांत अब किसी भी कीमत पर नहीं रुकना चाह रहा था वहां पर, वो अपने परिवार को ढूंढना चाह रहा था। बट द सिचुएशन वास स्टिल डेंजरस एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली प्लीडेड। हालांकि सिचुएशन वहां का एकदम खराब था, इसमें बहुत खतरा से भरा हुआ था। प्रशांत के दोस्त इससे अनुनय विनय करते हैं कि वो कुछ दिन और रुक जाए, बट प्रशांत न्यू ही हैड टू गो। हालांकि प्रशांत जानता था ये समय यहां रुकने का नहीं है, यहां से आगे बढ़ने का है। ही इक्विप्ड हिमसेल्फ विद अ लॉन्ग स्टडी स्टिक। ये एक बहुत बड़ा सा डंडा लेता है, छड़ी लेता है और उसके साथ आगे बढ़ता है। एंड देन स्टार्टेड ऑन हिज 18 किलोमीटर्स एक्सपेडिशन
back to his village through the swollen flood water. 18 किलोमीटर की दूरी तय करने का ये अपने मन में ठान लिया था, सो इसने एक बड़ा सा छड़ी लिया जो कि मजबूत था. It was a journey he would never forget. ये जर्नी कभी अपने जीवन में नहीं भूल सकता है. He constantly had to use his stick to locate the road. इस छड़ी के माध्यम से प्रशांत हमेशा अपना रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा था, कहीं ऐसा न हो कि मेन रोड से भटक जाए. At places it was waist deep and progress was slow. कहीं कहीं पानी कमर के ऊपर तक चला जाता था, जिसके चलते इसकी जर्नी में कठिनाई महसूस हो रही थी. At several point he lost the road and had to swim. कभी कभी ऐसा होता था कि वो रास्ता खो देता था, जिसके चलते उसे तैर करके आगे जाना पड़ता था. After some distance he was relieved to find two friends of his uncle who were also returning to their village. कुछ लंबी दूरी तय करने के बाद इसे खुशी मिलती है कि इसके अंकल के दो दोस्त भी रास्ते में मिल जाते हैं, जो कि वे भी उसी गांव के तरफ आगे बढ़ रहे थे. They decided to move ahead together. और वे लोग एक साथ आगे बढ़ने का निश्चय कर लेते हैं. As they waded through the waters, the scenes they witnessed grew more and more macabre. जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, बहुत मुश्किल से आगे बढ़ रहे थे, परंतु जो सीन जो आंखों के सामने ये लोग ने देखा, ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी भटकती आत्मा के जगहों से पार कर रहे थे. They had to push away many human bodies, men, women, children, and carcasses of dogs, goats, and cattle that the current swept against them as they moved ahead. रास्ते में उन लोगों को अनेक मरे हुए बॉडी को हटाना पड़ रहा था, जो कि पानी के धार से इन लोगों के तरफ आगे आ रहा था. In every village that they passed, they could barely see a house standing. जितने भी वे गांव पार कर रहे थे, उन्हें कहीं भी घर दिखाई नहीं दे रहा था. प्रशांत नाउ वेप्ट आउट लाउड एंड लॉन्ग. जैसे ये दृश्य देखा, प्रशांत का दिल फट जाता है और खूब जोर से रोने लगता है. ही वॉज श्योर दैट हिज फैमिली कुड नॉट हैव सर्वाइव्ड दिस कैटास्ट्रोफी. वो जान गया था कि उसके परिवार अब वापस मिलने वाले नहीं हैं. इस तबाही में उसका परिवार फिर से बर्बाद हो चुका था. इवेंचुअली प्रशांत रीच्ड हिज विलेज कालीकुडा. फाइनली ये कालीकुडा अपने गांव के तरफ पहुंच जाता है. हिज हार्ट वेंट कोल्ड वेयर देयर होम वंस स्टूड देयर वर ओनली रेमिनेंट्स ऑफ इट्स रूफ. जैसे अपने गांव पहुंचा, इसका दिल पूरी तरह से बैठ गया था. जहां कभी मकान हुआ करता था, आज वो टुकड़ों में बटा हुआ. सम ऑफ देयर बिलोंगिंग्स वर कॉट मैंगल्ड एंड ट्विस्टेड इन द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज जस्ट विजिबल अबव द डार्क वाटर. इसके घर के कुछ कपड़े, कुछ सामान जो कि पेड़ पर देखा, जो कि उसमें फंसे हुए थे. यंग प्रशांत डिसाइडेड टू गो टू रेड क्रॉस शेल्टर टू लुक फॉर हिज फैमिली. इसके बाद प्रशांत रेड क्रॉस के द्वारा जो बनाई गई शेल्टर थी, वहां अपने परिवार को ढूंढने के लिए चला जाता है. अमंग द फर्स्ट पीपल ही सो इन द क्राउड वॉज हिज मैटरनल ग्रैंड मदर. जैसे वहां जाता है तो ये अपनी नानी को देखता है. Weak with hunger, she rushed to him, her hands outstretched, her eyes brimming. नानी ने जब प्रशांत को देखा, दौड़ करके उसे गले लगाती है. एक तरफ खुशी था, दूसरे तरफ उसको गम था. They had long given him up for the dead. क्योंकि ये लोग ये भी मान के चल गए थे कि प्रशांत भी अब इस दुनिया में नहीं रहा. Quickly word spread and his extended family gathered around him and hugged him tight in relief. ये बात तुरंत गांव के तरफ फैल गई कि प्रशांत सही सलामत वापस आ चुका है. लोग आए, इसके रिश्तेदार आते हैं और गले लगते हैं. प्रशांत एंग्शियसली स्कैन्ड द मोटली बैटर्ड ग्रुप. हिज ब्रदर एंड हिज सिस्टर, हिज अंकल एंड आंट्स, दे ऑल सीम टू बी देयर. ये चारों तरफ देखने की कोशिश करता है, देखता है कि इसके भाई, इसके बहन, इसके अंकल और आंटी, वे सब वहां पर थे, सुरक्षित थे. By the next morning, as he took in desperate situation in the shelter, he decided to get a grip over himself. हालांकि इसके परिवार सब मिल गए थे, इसलिए ये अपने आप को मजबूत कर लेता है.
He sensed a deadly grief settling upon the 2,500 strong crowd in the shelter. Prashant देखता है कि करीबन 2,500 लोगों के चेहरे पर कितना कष्ट दिखाई दे रहा था. 86 lives were lost in the village. 86 लोग मारे जा चुके थे. All the 96 houses had been washed away. और 96 घर already पानी में समाप्त हो चुका था, बह गया था. It was their fourth day at the shelter. ये चौथा दिन था. So far they had survived on green coconut, but there were too few to go around such a tumult of people. तीन लोगों का खाने का बस एक ही साधन बच गया था, कोकोनट ट्री का जो ऊपरी टेंडर पत्ते जो होते हैं, जिसको काट कर निकाला जाए तो व्हाइट निकलता है, उसको खा खा करके लोग जिंदा थे. परंतु कितने दिनों तक उस कोकोनट के पौधे पर जीवित रहते. प्रशांत ऑल ऑफ 19 इयर्स डिसाइडेड टू स्टेप इन एज लीडर ऑफ हिज विलेज इफ नो वन एल्स डिड. प्रशांत देखा कि अगर कोई और इसको मदद नहीं करेंगे तो अकेले लीडरशिप लेता है. He organized a group of youth and elders to jointly pressurize the merchant once again to part with his rice. एक ग्रुप बनाता है जिसमें सभी नौ युवक और बुजुर्गों का भी साथ रहता है और उस मर्चेंट के पास जाता है, उस व्यवसायी के पास जाता है कि लोगों को चावल प्रदान करे. This time the delegation succeeded and returned triumphantly wading through the receding water with food for entire shelter. इन लोगों को खुशी मिलती है कि उन लोगों ने व्यवसायी के यहाँ से चावल लाने में सक्सेसफुल रहे और लोगों के चेहरे पर खुशी नजर आती है. No one cared that the rice was already rotting. कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, जो चावल आया था वो चावल सड़ रहे थे. Branches from the fallen trees were gathered to light a reluctant and slow fire on which to cook the rice. लकड़ियां जो इकट्ठा की गई थी वो भींगे हुए थे, वे जलने से इनकार कर रहे थे, फिर भी लोग उसे जलाए और उस पर खाना बनाए. For the first time in 4 days, the survivors at the cyclone shelter were able to fill their bellies. ये चौथा दिन में पहली बार था कि लोगों को भरपेट खाने के लिए भोजन मिला था. His next task was to organize a team of youth volunteers to clean the shelter of filth, urine, vomit and floating carcasses, tend to the wounds and fractures of many who had been injured. इसके बाद इसका अगला कार्यक्रम रहता है कि आसपास के सभी चीज को साफ सफाई करना. अलग अलग तरह की बीमारियों के चलते लोग ग्रस्त, लोग वॉमिट किए थे, पेशाब, बाथरूम, सब चीज को साफ सफाई, बॉडी जो पड़ा हुआ था उसको हटाना, दफन करना, और जो लोग इंजर्ड हो चुके थे उन्हें मलहम पट्टी करना, उन्हें दवा दारू देना. On the fifth day, a military helicopter flew over the shelter and dropped some food parcel. पांचवें दिन मिलिट्री हेलीकॉप्टर उस गांव से पार करता है और कुछ खाने का पार्सल उधर गिरा देता है. इट देन डिड नॉट रिटर्न, लेकिन फिर दोबारा नहीं आया. द यूथ टास्क फोर्स गैदर एम्प्टी यूटेंसिल्स फ्रॉम द शेल्टर. इसके बाद नौजवानों ने क्या किया, घर से बर्तन निकाल करके बाहर आ गए. देन दे डिप्यूटेड द चिल्ड्रन टू लाई इन सैंड लेफ्ट बाय द वाटर अराउंड द शेल्टर विद दिस यूटेंसिल्स ऑन देयर स्टोमक्स to communicate to the passing helicopters that they were hungry. इन नौजवानों ने छोटे छोटे बच्चों को, जो कि सामने घर के चारों तरफ बालू आ गया था उस साइक्लोन के चलते, उन सब बच्चों को बालू पर लेटा देते हैं और उन लोगों के स्टोमक पर ये प्लेट रख देते हैं ताकि जाने वाला हेलीकॉप्टर ये समझ सके कि नीचे लोग भूखे पड़े हुए हैं. The message got through and after that the helicopter made regular rounds of shelter. इसके बाद हमेशा वहां से जब भी हेलीकॉप्टर पार कर रहा था उन लोगों को खाना दे करके जा रहा था. प्रशांत फाउंड दैट लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैड बीन ऑर्फन्ड. प्रशांत को ये बात समझ में आ गई कि बहुत सारे बच्चे जो थे अब अनाथ हो चुके थे. He brought them together and put up to polythene sheet shelter for them. ये किसी तरह से पॉलिथीन शीट का इंतजाम करता है और एक छोटा सा शेल्टर बनाता है उन लोगों के लिए.
Women were mobilized to look after them while the men secured food and material for the shelter. औरतों को उन बच्चों को देखभाल के लिए लगा दिया जाता है और जितने भी मर्द लोग थे वे खाने का इंतजाम करने के लिए निकल पड़ते हैं. As the weeks passed, Prashant was quick to recognize that the women and children were sinking deeper and deeper in their grief. सप्ताह पार करते गया और प्रशांत को अनुभव हुआ कि औरतें जो थी वे दिन प्रतिदिन अपने कष्ट में डूबते हुए जा रही थी. He persuaded the women to start working in the food for work program started by an NGO. इसके बाद प्रशांत पूरी कोशिश करता है इन औरतों को समझाने के लिए कि वे कुछ काम करें. That was food for work program started by NGO. And for the children, he organized sports even. और बच्चों को मन बहलाने के लिए वे खेल कूद का इंतजाम करता है. He himself loved to play cricket and so he organized cricket matches for children. Prashant ko cricket bahut pasand tha isliye bachcho ko ek cricket match ka intezam karta hai. Prashant engaged with other volunteers in helping the widows and children to pick up the broken pieces of their lives. Prashant baki volunteers ko ye santwana deta hai, dhaadas deta hai ki sabko mila karke chalna hai aur jitne bhi widows aur orphan bacche hain sabko ek saath mila karke unhe anubhav nahi hona chahiye ki ve ab ghar se. The initial government plan was to set up institution for orphan and widows. सरकारी प्लान तो ये आया था कि एक इंस्टीट्यूशन बनाया जाए जिसमें जितने भी विधवा थी और बेसहारे बच्चे थे उन्हें उसमें रखा जाएगा. हाउएवर दिस स्टेप वाज सक्सेसफुली रेजिस्टर्ड. परंतु इस प्लान को गांव वालों ने इनकार कर दिया. एज इट वाज फेल्ट दैट इन सच इंस्टीट्यूशन चिल्ड्रन वुड ग्रो अप विदाउट लव एंड विडोज वुड सफर फ्रॉम स्टिग्मा एंड लोनलीनेस. प्रशांत इस बात को जानता था कि वैसे इंस्टीट्यूशन में बच्चों को प्यार देने वाला कोई नहीं रहेगा और विधवाएं ये तो यही समझ के रहेगी कि उसके लिए इस दुनिया में कोई नहीं है. प्रशांत्स ग्रुप बिलीव्ड ऑर्फन शुड बी रीसेटल्ड इन देयर ओन कम्युनिटी इटसेल्फ. प्रशांत को यह विश्वास था कि जितने भी बच्चे इस मोहल्ले के थे जो बच्चे ऑर्फन हो चुके थे उसको इसी मोहल्ला में बसाया जाए. Possibly in new foster families made up of childless widows and children without adult care. और इसका प्लान था ये बच्चे उस माँ को दे दिया जाए जिसके बच्चे हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए थे और इस तरह से इन बच्चों को अपनी माँ और पिताजी मिल जाएंगे और उस माता पिता को एक नया बच्चा मिल जाएगा. It is 6 months after the devastation of super cyclone. 6 महीना पार हो चुका है. दिस टाइम प्रशांत वुंडेड स्पिरिट हैज हील्ड सिंपली. 6 महीने के बाद प्रशांत के दिल के वे घाव धीरे धीरे ठीक हो जा रहा है. बिकॉज ही हैड नो टाइम टू बॉदर अबाउट हिज ओन पेन. क्योंकि इसे अपने गम की अब चिंता नहीं थी. हिज हैंडसम यूथफुल फेस इज वॉट द विडोज एंड ऑर्फन चिल्ड्रन ऑफ हिज विलेज सीक आउट most in their darkest hour of grief. Prashant ko ab is baat ki chinta nahi rahi ki uske paas bhi kuch gham hai, kuch dukh hai, takleef hai, kyunki ye sadaiv dusro ke dukh takleef mein apne aap ko baant deta tha. His handsome youthful face is what the widows and orphan children of his village see. Prashant ka chehra har gaon ke logon ke dil mein basa hua tha. लोग जब भी अपने आप को हताश निराश महसूस करते थे उस वक्त प्रशांत का चेहरा उन लोगों के आंखों के सामने आ जाता था. ये इसलिए हुआ क्योंकि प्रशांत अपने जीवन में ये वो काम किया जो बहुत से अच्छे ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से अच्छे वेल टू डू फैमिली नहीं कर पाते हैं. इसके साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं. उम्मीद करता हूँ कि आपको यह चैप्टर पसंद आई होगी, समझ में आई होगी. अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ये मौका मिले कि इस चैप्टर को